मैं सरदार सुमन अर्पित करता हूँ। हमारे मार्गदर्शक, हमारे पूर्वज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में अपने सरदार सुमन अर्पित करते हुए, सर्वप्रथम मैं यहाँ जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर जिस मंदिर के अंदर जो मीटिंग हो रही है, जिस वाल्मीकि समाज के लोगों ने इस मंदिर को बनाया है और जो इसका रख रखाव कर रहे हैं, जिसमें इस मीटिंग हो रही है, मैं सबसे पहले उस मंदिर कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद मध्य प्रदेश वाल्मीकि महापंचायत, जिन्होंने ये आयोजन आज दिल्ली में किया है और जिसमें आज चर्चा का विषय रहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और दूसरा मुद्दा हमारा मेन रहा इस सभा के अंदर आरक्षण, वाल्मीकि समाज को आरक्षण अवश्य क्यों चाहिए। ये बात 70 साल देश की आज़ादी के बाद भी, आज भी हमारे समाज के साथ 70 साल के बाद भी दुर्व्यवहार हो रहा है। हमारी आवाज कहीं नहीं सुनी जा रही। हिंदुस्तान के अंदर, भारत के पार्लियामेंट के अंदर एक भी समाज का आदमी, वाल्मीकि समाज का आदमी मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, जबकि पूरे देश के अंदर हमारी आबादी करीब 35 करोड़ से ऊपर की है। ये बहुत ही शर्म की बात है। राजनीतिक पार्टियाँ हमारा वोट लेने के लिए हमें 70 सालों से इस्तेमाल करती रही हैं, चाहे वो देश के किसी भी कोने की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो। दिल्ली में तो हम दिल्ली वाले ठगासे महसूस करते हैं, यहाँ सरकार किसी भी पार्टी की नहीं। अभी पीछे सरकार बनी दिल्ली के अंदर, निशान झाड़ू का निशान, मगर काम एक भी नहीं किया झाड़ू के निशान के लोगों के लिए, ना वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए। इस सरकार को बनाने से पहले केजरीवाल ने दिल्ली के तमाम जनता के बीच में कसम खाई थी महर्षि वाल्मीकि मंदिर के अंदर, पंचकुला के अंदर, कि ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर देंगे, नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा नहीं रहेगी, निजी कंपनियां, जो निजी संस्थान हैं उनमें नौकरी दी जाएगी, सबको पक्का किया जाएगा, समय पे वेतन दिया जाएगा। वाल्मीकि समाज एक ऐसा समाज है जो 15-15, 20-20 साल कच्चों में नौकरी करता है। किसी भी विभाग के अंदर आप बता दियो, भाई साहब बताइए, सारे लोग भाई महीनों से गुजारिश है कि कोई भी ऐसा विभाग है जहाँ 15 साल या 20 साल को कच्चों में नौकरी करता है, या 6-6 महीने तक नौकरियों में तनख्वाह नहीं मिलती, सफाई कर्मचारियों का शोषण हो रहा है देश की 70 साल की आज़ादी के बाद भी। इसलिए मेरा आरक्षण अलग से चाहिए। भाई जी, मध्य प्रदेश महापंचायत के माध्यम से हमने आरक्षण की जो बात कही है, दिल्ली की अंदर ये आवाज़ उठाई जा रही है, और मध्य प्रदेश वाल्मीकि पंचायत से हमारी गुजारिश है कि मध्य प्रदेश के तमाम जिलों के अंदर अलग से आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन करें, और जब दिल्ली में आंदोलन होगा और देश के कोने कोने में आंदोलन होगा, जब भी देश में हमारे समाज को आरक्षण मिलेगा, जब भी हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, जब भी हमारा विधायक होगा। आज दिल्ली के अंदर हम मांग रहे हैं, दिल्ली में नहीं पूरे देश के अंदर हम जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मांग रहे हैं। आरक्षण में आज तक एक ही जाति को विशेष को फायदा होता रहा, और जो आरक्षण का फायदा जो लोग उठाते रहे, उन्होंने कभी दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचा कि ये भी हमारे भाई हैं, इन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए, इन्हें भी लाभ मिलना चाहिए। आज उस जाति प्रथा के अंदर वो आज हमारे बीच में ब्राह्मण बने बैठे हैं। हम उस ब्राह्मण विरोधी नेताओं को, मैं उस जाटव समाज को खासतौर पर कहना चाहता हूँ कि आज बहुत हो चुका 70 साल के अंदर, जो अब तक होता रहा वो अब नहीं होगा। दिल्ली की जनता जाग गई है, दिल्ली का वाल्मीकि समाज जाग गया है। दिल्ली में नहीं, दिल्ली 2020 के अंदर हम तख्त बदल लेंगे, ताज बदल लेंगे, और जो हमारा अधिकार देगा उसका राज बदल देंगे। 2020 में वाल्मीकि समाज का मुख्यमंत्री दिल्ली में हमको चाहिए, ये दिल्ली की जनता के अंदर करके दिखाएंगे, और ये मांग हमारी है, और हमें मध्य प्रदेश वाल्मीकि महापंचायत से गुजारिश करेंगे और देश के तमाम संगठनों से मांग करेंगे कि आरक्षण की मांग को पुरजोर ताकतों से अपने अपने बैनर तले सभी लोग उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।